फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने सैमसंग गैलेक्सी F15 एंड्रॉइड मोबाइल फोन में अगर आपके मोबाइल फोन की जो वॉल्यूम है वो ऑटोमेटिक अप एंड डाउन होने लगती है तो इसकी प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपके मोबाइल फोन की जो वॉल्यूम होते हैं वो ऑटोमेटिक कम या ज्यादा होने लगती है तो इसकी सॉल्यूशन के लिए करने का है। देखिए, सबसे पहले आपको अपने फोन को ना एक बार रीस्टार्ट करना है, ठीक है। अगला काम ये करना है कि आपके फोन का जो फाइल का ऐप होता है, फाइल का ऐप को ओपन करना है। इस ऐप में आपको नीचे की साइड ऐप्स का ये ऑप्शन आपको टैप करना है। अगले पेज में आपको सबसे ऊपर आपको सिस्टम ऐप का ये ऑप्शन टैप करना है, ठीक है ना। तो आपका ये पेज आता है, इस पेज में आपको नीचे आके ये एंड्रॉइड सिस्टम पे टैप करना है। इसके अगले पेज में आपको नीचे की साइड स्टोरेज का ऑप्शन टैप करना है। यहाँ पर आपको नीचे क्लियर कैच पे टैप करना है, तो आपका कैच के सामने डेटा जीरो हो जाता है, ठीक है। अगला काम ये करना है, बैक पेज पे जाना है, इसके भी बैक पेज पे जाना है। आपने जो एंड्रॉइड सिस्टम सेलेक्ट किया था ना, इसके नीचे आपको ये ऑप्शन एक और मिलता है, एंड्रॉइड सिस्टम वेब व्यू, इसे भी टैप करना है। इसके अंदर भी आपको इसे ये स्टोरेज का ऑप्शन टैप करना है। यहाँ पर भी क्लियर कैच पे टैप करना है, ठीक है। तो आपका कैच के सामने डेटा जीरो हो जाता है, ठीक है ना। अब देखिए, अगला काम ये करना है, मोबाइल फोन का सॉफ्टवेयर आपको चेक करना है कि अपडेट है या नहीं है। पहले तो मोबाइल फोन का इंटरनेट आपको चालू रखना है, इसके बाद मोबाइल फोन का सेटिंग पेज ओपन कर लेना है। सेटिंग पेज में सबसे ऊपर सर्च आइकन पे टैप करना है। यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में आपको सॉफ्टवेयर अपडेट लिखना है, ठीक है। आपको नीचे की साइड ना सॉफ्टवेयर अपडेट का एक यहाँ पर शो हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन। सॉफ्टवेयर अपडेट पे टैप करेंगे तो अब आपको इस वाले पेज पे डाउनलोड एंड इंस्टॉल पे टैप करना है। अब आपको इस वाले पेज पे कोई भी अपडेट का बटन या डाउनलोड इंस्टॉल अगर यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई देता है तो उसे आपको टैप करके फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट कर लेना है, ठीक है ना। अब देखिए, अगला काम आपको करना है क्या है, आपको जो है ना अपने मोबाइल फोन को ना रीसेट करना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मोबाइल फोन को रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस काम नहीं करते ना, तब आपको फोन को रीसेट करना है, अदरवाइज नहीं करना है। फोन को रीसेट करने के लिए फोन का आप सेटिंग पेज ओपन करिए, सबसे ऊपर आपको सर्च आइकन पे टैप करना है। यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में रीसेट आपको लिखना है। आपको नीचे की साइड में ये ऑप्शन मिलता है, फैक्ट्री डेटा और रीसेट, इसे टैप करना है। अब आपको इस वाले पेज में फैक्ट्री डेटा और रीसेट पे टैप करना है। अगले पेज में आपको सबसे नीचे की साइड रीसेट का ऑप्शन टैप करेंगे तो इससे आपका फोन जो है रीसेट हो जाएगा और आपकी प्रॉब्लम जो सॉल्व हो जाएगी। लेकिन फोन को रीसेट करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है कि आप अपने फोन के डेटा का ना बैकअप ले लीजिए अपने फोन में, और दूसरी बात ये ध्यान रखनी है आपके फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है। ये दो काम आपको पहले करने हैं, उसके बाद फोन को रीसेट करना है, ठीक है ना। तो मेरे बताए हुए सबरे प्रोसेस आपको यूज करना है, इससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है ना।